स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए दिनभर की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को केंद्र से कहा कि वो इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। अदालत ने चेताया कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो एक बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए कदमों के बारे में बताए। पीठ ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, केंद्र द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा बहुत मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमें बताएं कि क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखते हैं, आपको हस्तक्षेप करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वो बाली में G20 समूह के नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि में नई जान फूंकने, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों और स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के समाधान पर व्यापक चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि वो वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान करने में भारत की उपलब्धियों और इसकी मजबूत प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार दोपहर इंडोनेशिया शहर बाली रवाना हो चुके, जहां यूक्रेन संकट, खासतौर पर खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभावों सहित ज्वलंत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर का गला घोटकर कथित रूप से हत्या कर दी। उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग 20 दिनों तक फ्रिज में रखा और एक के बाद एक करके उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में मुंबई के 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया गया है और श्रद्धा वालकर नामक महिला के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रथम अंकित चौहान ने बताया कि मुंबई में काम करने के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और अपने परिवार वालों के विरोध के चलते वो अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में दिल्ली आ गए थे। जब वो दिल्ली में रह रहे थे तब मई में शादी को लेकर उनके बीच में कहासुनी हुई, जो काफी तेज हो गई और आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया। उन्होंने कहा कि फिर उसने शव के टुकड़े किए और उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। चौहान ने बताया कि इस प्रेमी युगल के दिल्ली में रहना शुरू से ही कुछ दिन बाद मुंबई में महिला के पिता को एहसास हुआ था कि उनकी बेटी लापता है और उन्होंने मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। गुजरात के जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट देने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर धावा बोल दिया और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर भी जला डाले। नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व प्रमुख सोलंकी के नेम प्लेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और स्प्रे पेंट से इमारत की दीवारों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोलंकी ने टिकट के बदले खेड़ावाला से पैसे लिए और इस मुस्लिम बहुल सीट से युवा कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद शहनवाज शेख की दावेदारी को जानबूझकर नजरअंदाज किया। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।